ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अजमेर पहुंचे। नागर शहर भाजपा की आयोजित बैठक में शामिल हुए। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि भाजपा राजस्थान उपचुनाव में 7 सीटों पर जीत दर्ज कराने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने अंतरिम बजट जारी करने के साथ ही राज्य की जनता का विश्वास जीत लिया था। नागर ने कहा कि कांग्रेस वर्तमान में राजस्थान में भाजपा के मुकाबले कहीं नहीं है। राज्य सरकार के कामकाज और कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर जनता सरकार के प्रति विश्वास दर्शा रही है। राज्य सरकार सभी के साथ और प्रयास से राज्य का विकास कर रही है। ऊर्जा मंत्री गुरुवार को अजमेर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे विभागीय समीक्षा के लिए सभी जिलों में जा रही है। इस सिलसिले में अजमेर आने का भी मौका मिला है। उन्होंने बताया कि वे यहाँ विद्युत विभाग में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे और विद्युत तंत्र में सुधार की गुंजाइश है, उसे सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा कर उसे दुरुस्त कराने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। नागर ने कहा कि अजमेर आने पर ज्ञात हुआ कि यहां जिला स्तरीय बैठक भी है, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात का मौका मिला है। अजमेर में टाटा पावर की सेवाओं की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है तो कंपनी के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक मोतीलाल मीणा भी उपस्थित थे। ऊर्जा मंत्री के आगमन पर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी, विधायक अनिता भदेल, पूर्व यूआईटी चेयरमैन धर्मेश जैन, पूर्व मंत्री किशन सोनगरा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। से संबंधित विद्युत तंत्र की समीक्षा करके और यहाँ पर जो उपभोक्ता है, चाहे वो कृषि के हो या औद्योगिक हो या हमारे दूसरे उपभोक्ता है, उनको लेकर के हर जिले में जाने का मैंने निश्चित किया है और उसके तहत आज यहाँ समीक्षा बैठक रखी है विद्युत विभाग की। उसमें आने का अवसर मिला है और इस बीच में आज हमारे जिले की बैठक भी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो जिलाध्यक्ष का आग्रह था तो यहाँ भी मुझे जिला बैठक में आने का भी अवसर मिला है। और जिले में हमारा जो संगठन पर्व चल रहा है, संगठन की सदस्यता का अभियान चला है, उसमें अजमेर जिले ने अच्छा प्रदर्शन किया है और यहाँ के संगठन ने जो सदस्यता बनाए हैं, अब हमारा आगे सक्रिय सदस्य बनाने का जो क्रम चल रहा है उसकी भी अब तैयारी है और उसमें सदस्य बन रहे हैं इसको लेकर के, और अजमेर जिला अच्छा काम करे, संगठन पर्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और संगठन ही भारतीय जनता पार्टी की मूल पूंजी है, इसको लेकर के हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि कैसे हम संगठन को निरंतर मजबूत रखें। तो इसलिए मैं आज कार्यालय पर जाना हुआ है। सर, चुनाव आने वाले आगे जो नगर निगम के चुनाव है, पंचायत राज चुनाव है, देखिए जो भी चुनाव होंगे उसकी पहले अलग अलग समय पर चुनाव जो है, और जो पूर्व सरकार ने जिस तरह से इस चुनाव को पूरे 5 साल कर दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया है कि पहले पुनर्सीमांकन होगा, चाहे वो नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो या फिर पंचायतों का हो। संगठन पर्व का कार्य चल रहा है और संगठन पर्व से मतलब है कि पूरे देश भर के अंदर पार्टी के प्रत्येक बूथ का नए सिरे से लोकतांत्रिक तरीके से गठन हो, बूथ की समिति बने, बूथ की समिति में जो अध्यक्ष बनेगा वो सभी अध्यक्ष मिलकर मंडल अध्यक्ष का चयन करेंगे, सभी मंडल अध्यक्ष मिलकर जिलाध्यक्ष का चयन करेंगे, सभी जिलाध्यक्ष मिलकर प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेंगे और सभी प्रदेश अध्यक्ष मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करेंगे। इस प्रकार की एक प्रक्रिया है जो एक चुनावी दौर से गुजरती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम उसको चुनाव न कह के एक उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं। सभी कार्यकर्ता हमारे साथ बैठते उठते हैं और सभी मिलकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का चयन करते हैं, जिलाध्यक्ष का चयन करते हैं, मंडल अध्यक्ष का चयन करते हैं, बूथ अध्यक्ष का चयन करते हैं। उससे पूर्व पार्टी की सदस्यता हो और पार्टी के प्राथमिक सदस्य अधिक से अधिक बने और जो कार्यकर्ता कम से कम अपने स्वयं के प्रयास से 50 मेंबर सदस्य बनाएगा, ऐसा कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बनेगा और वो सक्रिय सदस्य ही पार्टी में बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक के पदाधिकारी बनेंगे। हमारे पार्टी के 3 चरण अभी चल रहे हैं। पहला चरण में हमारी प्राथमिक सदस्यता संपन्न हुई है, जिसमें अजमेर विधानसभा के अंदर 75,000 सदस्य हमारे अभी तक बन चुके हैं, अजमेर साउथ के अंदर 57,000 सदस्य हमारे अभी तक बन चुके हैं,